हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स सब्जेक्ट सीरीज में आपका स्वागत है। न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एन अकेडमी की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि एन अकेडमी पे जो जितने प्रोग्राम्स हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, इसी के साथ ही आरपीएससी हो या फिर एसएससी हो और भी आईबीपीएस, काफ़ी सारी एग्जाम्स के कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड है, वो करवाए जाते हैं। तो आप अगर किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो वहाँ आपको, अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम चलते हैं आगे आज की न्यूज़। पहली जो हमारी न्यूज़ आई है इम्पोर्टेंट, वो आई है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन को लेकर, AISHE। देखो, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट है, वो किया जाता है। इसको 2011 से स्टार्ट किया था, 10-11 वाले टाइम पीरियड से, और अभी तक ये हर साल कंटिन्यू है, वो किया जा रहा है। इस सर्वे का मोटो क्या है, क्यों इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, यह एक पैन इंडिया एक्सरसाइज है, मतलब एक मुख्य एक्सरसाइज है, आप बोल सकते हो कि एक तरह का सर्वे है जो कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, इवन इम्पोर्टेंट बात की जाए तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनकी हालत कैसी है, किस तरीके से उनमें काम किया जा रहा है, क्या क्या उनमें खामियां हैं, उन सब को लेके काम है ये डाटा वो प्रोवाइड करवाता है। अब देखो, उसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जिनको लेके एक तरीके से स्टडी है या सर्वे है वो कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं कॉलेज में, स्टूडेंट इनरोलमेंट कैसा है, इसी के साथ ही प्रोग्राम कैसे चलाए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन रिजल्ट कैसा रहा है, प्लेसमेंट कैसी मिली है, एजुकेशन फाइनेंस कैसा है, स्कूल सॉरी जो कॉलेज है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो इन सारे पैरामीटर्स को देख के ये डाटा है या आप बोल सकते हो कि ये सर्वे कंडक्ट है वो किया जाता है। तो इस बार जो 2018-19 का जो सर्वे किया गया है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार हम यहाँ पे नज़र मार लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे अच्छा यह है कि जेंडर गैप है वो नेरो यानी कम हो रहा है, ये देखो अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि मेल थे या फिर आप बोल सकते हो कि मेल स्टूडेंट्स थे, इनका इनरोलमेंट ज़्यादा होता था, फीमेल का इनरोलमेंट है वो कम होता था, बट आजकल ऐसा नहीं है। ये जो गैप है इन दोनों के बीच में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि फीमेल स्टूडेंट है वो धीरे धीरे अपना इनरोलमेंट है वो बढ़ा रही हैं। इसी के साथ ही एक आश्चर्यजनक डाटा ये मिला है कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में फीमेल जो एज ग्रुप है, जिनकी एज 18 से 23 साल की है, वो हायर एजुकेशन में ज़्यादा इनरोल कर रही हैं कंपेयर टू मेल स्टूडेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटका दो ऐसे स्टेट हैं वहाँ पे 18 से 23 साल के अगर बच्चों का इनरोलमेंट देखा जाए हायर एजुकेशन में तो उसमें फीमेल है वो आगे हैं। इसी के साथ ही फीमेल इनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो पिछले साल हमारा रेशियो था वो था 47.6% और इस बार बढ़ गया हो गया है वो 48.6%, मतलब लगातार इसमें इजाफा बढ़ रहा है। इसी के साथ ही ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कि भाई टोटल इनरोलमेंट कितने हो रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो वो भी देखो 25% था पिछले साल, अब बढ़ गया वो 26% है यहाँ पे हो गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसी के साथ ही नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। पिछले साल जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी थी वो थी लगभग 903 के आसपास और इस बार हो गई इनकी संख्या 993 के समथिंग, तो इन यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ रही हैं, टीचर्स हैं इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ ही एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव है वो होती जा रही है। तो ये कुछ आंकड़ा है, कुछ डाटा दिया गया है, इसका आप यूज है वो कहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है शोध शुद्ध के बारे में। शोध का मतलब होगा रिसर्च, शुद्ध का मतलब प्योर, आप जैसे बोल सकते हो कि भाई जो रिसर्च होती है उसमें कितनी प्योरिटी है उसको लेके ये प्रोग्राम है। देखो, यह एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है। क्या यह बेसिकली प्लेजरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर है। प्लेजरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, देखो प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि जो लिटरेचर या साहित्य वगैरह होते हैं ना, इनकी चोरी या कॉपी वगैरह ना हो, उसको कहते हैं बेसिकली, जिनकी चोरी वगैरह काफ़ी होती है। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई साहित्य लिटरेचर की कॉपी कैसे होती है, देखो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं पीएचडी वगैरह रिसर्च वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं कि पुराने जो डाटा वगैरह हैं किसी बुक वगैरह से उनको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, तो उनसे बचने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि भाई हमारे देश में जो रिसर्च हो रही है इसकी क्वालिटी अच्छी हो, इसी के साथ ही जो रिसर्च का आउटकम है वो भी अच्छा आना चाहिए, और जो स्टूडेंट है वो खुद अपने आइडियाज़ पे फोकस करें ना कि इधर उधर से कॉपी करें। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है प्लेजरिज्म डिटेंशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो भी रिसर्च का डाटा स्टूडेंट सबमिट करेगा उसको चेक करेगा कि ये कहीं से कॉपी किया गया है या नहीं किया गया है। ये बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो कि यूनिवर्सिटी
सेंटर के अंडर आता है, यूजीसी के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना कि शोध शुद्ध क्या है, फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटकम बाय द इंश्योरिंग द ओरिजिनल ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, कि भाई जो स्टूडेंट वो अपने प्योर ओरिजिनल आइडिया पे फोकस करे, ना कि इधर उधर से कॉपी मार के डाटा चिपका दें। तो उसके लिए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है पेस सेटर फंड के बारे में। देखो जो पेस सेटर फंड है ये बेसिकली 2015 में सेटअप किया गया था इंडिया और यूएसए के द्वारा। अभी न्यूज़ ये आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने कुछ संस्थाओं को अवार्ड दिया है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पेस सेकर फंड के तहत अच्छा काम किया था, इसलिए उनको इस पेस सेकर फंड के तहत पैसा है वो दिया गया है। अब है क्या ये फंड? ये फंड जैसे मैंने आपको बताया 2015 में सेटअप किया गया था, 50 करोड़ का ये फंड है बेसिकली। और अगर इसकी इम्पोर्टेंट बात देखें, इसका मेन काम ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में रिसर्च है, इनोवेशन है, कॉमर्शलाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ऑफ ग्रिड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट हो गए, किस तरीके से क्लीन एनर्जी वो काम करेगी, और जो और बिजनेस मॉडल्स हैं, इन पे रिसर्च करने के लिए जो कंपनी है इनको पैसे की या फंड की ज़रूरत होती है, वो फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा इस स्पेस सेक्टर फंड के द्वारा। तो ये बेसिकली इसका काम है वो रखा गया है। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मत काम ये है कि जो क्लीन एनर्जी के एरिया में या फिर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो रिसर्च है, इसके लिए इस कंपनियों को पैसा चाहिए होता है और वो पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा इस फंड की हेल्प से। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है कि भाई कौन कौन सी कंपनी है वो इससे पैसा या फंड है वो ले सकती है। तो देखो कंपनियों को टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होती हैं, इसके बाद में फंड का पैसा है वो दिया जाता है। तो मेनली आप ध्यान रखना कि इंडिया और यूएसए का ये फंड है रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कॉपरेटिव टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम हिंदी में निगम कर के नाम से भी जानते हैं। देखो अभी न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले ही कि गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसकी घटा के रेट है वो 22% के आसपास कर दी है, और सेस मिला के इसकी रेट है वो हो गई है 25% के आसपास। अब ये रेट तो यूपीएससी नहीं पूछेगी, बट कॉर्पोरेट टैक्स है क्या वो हम देखते हैं। देखो पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि टैक्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि डायरेक्टली का मतलब जिस पर्सन के जिसको बेनिफिट हो रहा है, जिसको सैलरी मिली है उसके द्वारा डायरेक्टली पे किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है कि कलेक्ट तो कोई करता है और गवर्नमेंट के पास जमा हो कोई और करवाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊँ, इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिस आदमी की जितनी ज़्यादा इनकम है उसको खुद को वो टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स किसी दूसरे आदमी को देना होता है फिर दूसरा आदमी जाके गवर्नमेंट को सबमिट करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास सबमिट है वो करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें तो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे जीएसटी में आप एग्जाम्पल ले लो कि पार्ले जी का बिस्किट आपने लिया 5 रुपये का, अब उस पर टैक्स लगा हुआ है, बट आप ये देखिए कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया, फिर कंपनी से होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और रिटेलर से फिर आपने खरीदा है, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, पहले टैक्स है वो रिटेलर को दे रहे हो, रिटेलर है वो टैक्स आगे होलसेलर को दे रहे हो, होलसेलर वो टैक्स कंपनी को दे रहा हो, फिर कंपनी उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा करवा रही है। तो ये होती है इनडायरेक्ट टैक्स की मैकेनिज्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। ये बेसिकली जो हमारे देश में कंपनीज एक्ट है 1956, इसके तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो यानी गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों ही तरह की कंपनियों को ये टैक्स है वो पे करना होता है, भाई जितना उनका प्रॉफिट है उसके ऊपर। अब बात ऐसी है कि कॉर्पोरेट टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसी अपने पास ही रखती है, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के बीच में डिवाइड है वो नहीं करती है। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स का सीन क्या है, और एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेजर इनकम होती है, बड़ी इनकम होती है, वो कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू ही होती है। ये आपको फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक टैक्स और होता है मेट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। देखो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मतलब ये है कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, पब्लिक या प्राइवेट, उसको प्रॉफिट हो या नहीं हो वो अलग बात है, उसको कम से कम कुछ टैक्स तो पे करना ही होगा, उसको कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इसकी जो रेट होती है वो अलग अलग होती है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है।
बेसिकली होता क्या है इसमें, जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है, उसको एक साल के अंदर उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें मान लो कि उसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर भी उसको टैक्स है वो देना होगा। और फिर कंपनी ये नहीं कह सकती भाई 20 लाख हुआ है इसमें मेरे तो इतने इतने पैसे खर्च हो गए, नहीं। यानी कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना, जिसको आप बोल सकते हो कि जहाँ पे कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाती है, उसके बेसिस पे टैक्स है वो पे करना होता है, मिनिमम टैक्स है वो तो कंपनी को पे करना ही होगा। तो ये होता है मेट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट को लेके, PDNA। देखो कंटेक्स्ट या न्यूज ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM उसने अभी एक दिन की एक नेशनल वर्कशॉप आयोजित की थी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट को लेके। अब ऐसा क्यों किया गया, क्या है ये असेसमेंट, वो भी हम देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसने बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप ये बोल सकते हो कि हमारे देश में जब भी अगर फ्यूचर में मान लो डिजास्टर आ जाए और डिजास्टर होने के बाद हमें किस तरीके से उससे निपटना है। ध्यान रखना, डिजास्टर आने के बाद जो नुकसान हो गया उससे हमें कैसे निपटना है, उससे डील करने के लिए ये प्रोग्राम या ये एक तरह की कैंपेन या वर्कशॉप आयोजित किया है एक दिन का, ताकि अगर फ्यूचर में इन केस कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर बात की गई है नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मिटिगेशन प्रोजेक्ट। इस मिटिगेशन प्रोजेक्ट के तहत देखा गया है कि भाई अगर साइक्लोन से डिजास्टर हो जाता है उसके बाद हमें किस तरीके से उसकी असेसमेंट है, बचाव और राहत कार्यक्रम चलाना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे वापस डेवलप करना है, इन सब को लेके कैसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, उसके लिए एक तरीके की वर्कशॉप है वो आयोजित की गई है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है डिजास्टर आने से पहले प्री प्रिपरेशन कि भाई डिजास्टर आ रहा है तो इससे पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है, और एक होती है पोस्ट प्रिपरेशन कि भाई डिजास्टर आ गया, नुकसान हो चुका है, इसके बाद हमें क्या क्या स्टेप उठाने होते हैं। तो एक तरीके से जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, ये डिजास्टर के बाद किस तरीके से राहत कार्यक्रम चलाने, कैसे उनको मैनेज करना है, उसके लिए असेसमेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, ये ऑब्वियसली आएगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट वाला काम कहाँ आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आता है। अब बात ऐसी है कि एक तरीके का टूल है जो कि ये असेसमेंट है, वो एक तरीके का पैरामीटर या टूल बोल सकते हो, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था और वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था। उनकी ही एडवाइस थी कि भाई ऐसे ऐसे असेसमेंट है वो होना चाहिए, ताकि कंट्रीज अपने फ्यूचर में कोई भी डिजास्टर आ जाए तो उससे कैसे डील करना है बाद में, उसके लिए तैयार रहें। रिकवरी प्लान इस पर फोकस किया जाता है कि भाई किस तरीके से हमें वापस रिकवरी करनी है, जितना किराए से जितना नुकसान हो चुका है कैसे उसकी भरपाई करनी है, कैसे प्रोग्राम चलाने, उन सब पे फोकस है वो किया जाता है। डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या हुआ है, रिकवरी की डेफिनेशन क्या है, कैसे लोगों को रिहेबिलिट किया जाएगा, उन सारी चीज़ों पर फोकस यहाँ पे किया जाता है। और फंडिंग वगैरह कलेक्ट करना है, उन सारे जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर काम में बेसिकली करती हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिजास्टर के बाद जितना भी डैमेज हो गया है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से रिस्टोर करना, घरों को वापस से रिस्टोर करना, लोगों की आजीविका को नॉर्मल रूटीन में लाना, सर्विस गवर्नेंस वगैरह है, सोशल सर्विस सिक्योरिटीज़ हैं, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए, और वापस से डिजास्टर आए तो कैसे में डील करनी, ये सारे काम इस असेसमेंट के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है K2K अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन। K2K का मतलब यहाँ पे है, K का मतलब पहले, K का मतलब है यहाँ पे कारगिल, दूसरे K का मतलब है कोहिमा। तो एक तरीके से कोहिमा कहाँ पे है, कोहिमा है नागालैंड में, नागालैंड की कैपिटल है। तो कारगिल से लेके कोहिमा तक एक अल्ट्रा मैराथन है जिसका नाम है ग्लोरी रन, वो अभी स्टार्ट है, वो की गई है। भाई इतनी लंबी मैराथन स्टार्ट की गई है तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, तो वो हम देखते हैं। देखो इस जो पैदल यात्रा है, इस जो अल्ट्रा मैराथन है, इसका मोटो ये है कि जो पैदल यात्री होते हैं ना, जो कि मतलब नॉर्मल पैदल ही चलते हैं, गाड़ी वगैरह में चलते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए लोगों को अवेयर करना। इसी के साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जो मोदी जी ने लोगों को अवेयर करवाने की बात कही थी, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। इसी के साथ ही जो बहादुर जवान जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको एक तरीके से याद करने के लिए, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए ये एक मैराथन है वो स्टार्ट की गई है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाए, पहली बात तो है K2K अल्ट्रा मैराथन ने कहाँ से कहाँ तक की है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बनता है कि कारगिल से कोहिमा तक जाते हो तो आपको कितने स्टेट वगैरह क्रॉस करने होते हैं, क्योंकि UPSC ने एक दो बार पहले भी ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है।
तो कारगिल से अगर हम बात करें, ले जो कोहिमा तक जाना होता है तो लद्दाख क्रॉस करना होगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और नागालैंड। तो इतने स्टेट हैं, उनको कवर करने के बाद नागालैंड है वो पहुंचा जाएगा। तो आप एक बार इसको मैप में लोकेशन जरूर देखना ताकि आप और भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है एक ब्लैक होल के बारे में। पहली बात, ये ब्लैक होल होता क्या है? देखो, ब्लैक होल क्या होता है, स्पेस में एक ऐसा पॉइंट या ऐसा एक क्षेत्र होता है जिसकी क्या होती है एनर्जी, आप बोल सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण जो एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन एनर्जी होती है वेव, वो काफी स्ट्रोंग तरीके से काम करती है वहां पे। मतलब एक तरीके से वहां पे अगर कोई भी सनलाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, कोशिश करेंगी, वो उसी के अंदर समा जाएगी। ऐसी एक कंडीशंस होती है, उसको हम बेसिकली ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अभी न्यूज ये आई है कि एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। ये सेजिटेरियस ए जो ब्लैक होल है ना, इसको लेके भी न्यूज ये आई है कि भाई इसमें कुछ अभी थोड़ी मतलब स्पेशल सी एक्टिविटीज दिखाई दी हैं। इस ब्लैक होल के आसपास में हमें सनलाइट, सॉरी जो लाइट्स वगैरह है वो दिखाई दी हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि पता नहीं कुछ स्पेशल एक्टिविटीज कुछ हो रही है, तो इसीलिए न्यूज में है। बेसिकली देखो, जो ये सेजिटेरियस ब्लैक होल है ना, ये 24-25 साल पहले डिस्कवर कर लिया गया था और ये अर्थ से लगभग 26,000 लाइट ईयर दूर है। और अगर हम बात करें जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जो हमारी आकाश गंगा है, उसके बीचों बीच सेंटर में यह है एक ब्लैक होल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेजिटेरियस ब्लैक होल है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीचों बीच में स्थित है, और इतनी दूर वगैरह तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपरमासिव मतलब बहुत बड़ा ब्लैक होल है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे पिजोल ग्लेशियर के बारे में। देखो, पिजोल ग्लेशियर है वो स्विट्जरलैंड के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, तो ये है यहाँ पे स्विट्जरलैंड का मैप आपको दिख गया होगा। और स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर कौन सा माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन रेंज है यहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे है आल्प्स माउंटेन रेंज, और यहाँ पे जिनेवा काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काफी सारी यूएन के हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं। स्विट्जरलैंड बहुत ही वैसे पीसफुल साइलेंट सिटी कंट्री है। यहाँ पे बेसल नोम्स, जो बेसल नोम्स के बारे में आपको पता है वो है बेसल सिटी है यहाँ पे। देखो, बात ऐसी है कि स्विट्जरलैंड की पड़ोसी है यहाँ पे एक तो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया ये, और एक यहाँ पे छोटी सी आपको दिख रहा होगा ये रहा, इसका नाम है लिंचेस्टिन। तो ऑस्ट्रिया और लिंचेस्टिन और जो स्विट्जरलैंड वाला ट्राइजंक्शन वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, एक सेकेंड रुको, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इस एरिया में बेसिकली पिजोल ग्लेशियर है जो कि भी क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से पिघलते जा रहे हैं, तो अभी उसको लेकर काफी चिंता व्यक्त है वो की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिजोल ग्लेशियर है कहाँ पे। ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।